Good morning, all of you. In this part of alkyl halides and the aryl halides, we will discuss about the reactions of alkyl halides. So the different reactions of alkyl halides means the alkyl halide can react with which type of reagents. Alkyl halides को आप किस किस चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रिपरेशन के दौरान बताया था कि आपको जब कभी भी alkyl halide को प्रिपेयर करना है तो आपके माइंड के अंदर बचे हुए सारे फंक्शनल ग्रुप्स होने चाहिए, उन सभी के सभी फंक्शनल ग्रुप्स को आप alkyl halide में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली जब आपके पास alkyl halide है, आप इसकी रिएक्शन कर रहे हैं, तो इस alkyl halide को भी आप डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो आप सभी के अंदर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आप एल्काइल हैलाइड को एल्केन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप एल्काइल हैलाइड को एल्कीन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप एल्काइल हैलाइड को एल्काइन के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड सोन एल्कोहल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड सोन। तो वो सारी रिएक्शन अभी हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्टिंग हम करते हैं कि सबसे जो सिंपल हमारा कंपाउंड है कि अगर हमारे पास एल्केन हो तो एल्केन कैसे बनाए, alkyl halide को alkane में कैसे convert करें। So what's the difference between the alkyl halide and the alkane? अगर हम ये जो alkyl halide हमने अभी आपके सामने लिया, that is the chloroethane, इस chloroethane में अगर हम Cl को हटा के यहाँ पे H लगा दें, so the process of addition of H atom is called the reduction. Reduction करेंगे, जैसे कि आप एक चैप्टर आता है जिसे आप कहते हैं एल्काइल हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, तो उसके अंदर आप पहले ही सीख चुके हैं। देखो यहाँ पे Zn oblique में ये HCl आएगा, यहाँ पे Cl की बजाय यहाँ पे HCl होगा। तो अगर Zn और HCl के बीच अगर हम रिएक्शन करते हैं तो आपका क्या बनता है, यहाँ पे आपका बन जाएगा ZnCl2 प्लस में क्या प्रोड्यूस होगा यहाँ पे H। देखो H ये नेसेंट हाइड्रोजन होगी यहाँ पे, जो H एडिशन ऑफ H इज कॉल्ड रिडक्शन, क्योंकि एडिशन ऑफ H2 इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द रिडक्शन एंड द हाइड्रोजनेशन। तो यहाँ पे H प्रोड्यूस होती है और ये H क्या करेगा, अब इसकी रिडक्शन करेगा, क्या करेगा यहाँ पे रिडक्शन। टू मोल्स होंगे HCl के यहाँ पे यूज, तो यहाँ पे कितने 2H बन जाएंगे। तो जब हम इसकी रिडक्शन करेंगे, देखो इस टाइप से यहाँ पे, तो रिडक्शन के दौरान क्या होगा, एक H आपके Cl को लेके चला जाएगा, एक H यहाँ पे लग गया, तो क्या बन गया आपके, बन गए यहाँ पे एल्केन। तो इस टाइप से, या सोडियम इथेनॉल ले ले हम, तो सोडियम इथेनॉल में देखो क्या होगा, ये एल्कोहल के अंदर O नेगेटिव और H पॉजिटिव होगा। तो जो सोडियम है, बिकॉज इट इज ए ग्रुप वन एलिमेंट, तो ये क्या करता है, इट विल लूज वन इलेक्ट्रॉन, Na पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन। अब जब रिएक्शन चलती है सोडियम और एल्कोहल के बीच में, तो क्या होगा, आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये कौन लेगा, ये पॉजिटिव पार्ट कौन है, H। तो इलेक्ट्रॉन को जब ये H लेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा H। देखो इस टाइप से H पॉजिटिव विल गेन द इलेक्ट्रॉन टू गिव द H, मींस सोडियम इथेनॉल को मिलाते हैं तो H प्रोड्यूस होते हैं, एंड द जो H है वो रिडक्शन करेगा एल्काइल हैलाइड की, जैसे आपको बताया गया। सो दीज आर द रिड्यूसिंग एजेंट। तो जब एल्काइल हैलाइड हो आपके पास और उसको इस टाइप से आपको एल्केन में कन्वर्ट कर रहा हूं, Cl हटा के H लगाना हो, तो आप क्या करेंगे, रिडक्शन। तो कौन से रिड्यूसिंग एजेंट है, आपके पास कोई मेटल हो लाइक जिंक आपके, तो उसके अंदर हमने क्या डाला, कोई एसिड लाइक HCl, तो आपके H प्रोड्यूस हो जाते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास जैसे सोडियम है, आपने उसमें क्या डाला, एल्कोहल इथेनॉल लिया आपने, तो भी H प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इस स्टेप से हम रिडक्शन कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहली रिएक्शन तो क्या देखी, कि जिसके द्वारा आपने क्या प्रिपेयर किए, एल्केन, आपने एल्काइल हैलाइड को किसमें कन्वर्ट कर दिया, आपने एल्केन के अंदर। कई बार स्टूडेंट क्या याद करते हैं कि इसका रिवर्स करना हो, जो कि हम पहले सीख चुके हैं आपकी प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड के दौरान। मींस आपने क्या सीखा था कि एल्केन को एल्काइल हैलाइड में कैसे कन्वर्ट करें, तो ऐसा नहीं कि इसके यहाँ पे आपने H ऐड कर दिए तो H लॉस कर दो, नो ऐसा नहीं होता। तो मींस आप वहां पे क्या करते थे, आपको क्या सिखाया गया था, हमने यही आपको बताया था कि कोई भी कन्वर्जन हो जो एल्केन से स्टार्ट होता हो तो आप एक ही काम करते हैं, वो कहलाती है प्रोसेस क्या, हैलोजिनेशन। मींस एच हटके सीएल लगाना हो तो आप सीएल टू ऑब्लिक में लाइट पास कर देते हैं। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ द एल्काइल हैलाइड। तो फर्स्ट रिएक्शन में आपने क्या देखा, द कन्वर्जन ऑफ द एल्काइल हैलाइड इनटू द एल्केन्स। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि अगर हम आपके एल्काइल हैलाइड के अंदर एल्कोहलिक KH डाल दे तो क्या होगा। तो अब हम ये यहाँ से क्लियर कर देते हैं जो हमने लिखा था। अब हम देखेंगे एल्कोहलिक KH डालने से क्या होगा। हमने आपको पहले ही बताया था जो एल्कोहलिक जो KH होता है इसके अंदर, क्योंकि एल्कोहल है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, इथेनॉल है, तो क्या होगा, जो KH है बोलो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इट विल गिव द K पॉजिटिव एंड द OH नेगेटिव आयन। देखो इस टाइप से, और जो एल्कोहल है वो क्या दे रहा है, इट विल गिव द, मान लीजिए इथेनॉल है तो वो क्या देगा, C2H5O नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव, इस टाइप से। तो अब यहाँ पे दो हो गई आपके पास नेगेटिवली चार स्पीसी, देखो ये और ये। तो ये जो आपका इथोक्साइड आयन है, जो एल्कोक्साइड आयन है, ये आपके स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेगा, क्योंकि इसका साइज बड़ा है, ये H को अपने इलेक्ट्रॉन देगा,
तो मीन्स होगा क्या इसकी प्रेजेंस में, अगर हम ये CH2 और इसके ऊपर देखो ऐसे H लगा दें, या हम इसको ऊपर की साइड शो कर देते हैं, क्योंकि रिएक्शन देखो ये CH2 और इसके ऊपर हमने देखो क्या शो कर दिया H। तो ये जो हमने इसका मैकेनिज्म भी आपको बताया था, वो जो इथोक्साइड एंड इट विल डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर टू द H एटम, और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है दे विल फर्दर शिफ्ट टुवर्ड्स द नेक्स्ट कार्बन एटम, और यहाँ पे डबल बॉन्ड होने से कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई, तो Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके देखो इस स्टेप से चला जाता है, तो इस स्टेप से एल्कीन्स बन जाती है। बोलो क्या बन जाती है, एल्कीन, क्योंकि आपका जो ये एल्कोक्साइड आयन है इट विल नॉट अटैक ऑन द कार्बन एटम, देखो इस कार्बन एटम के ऊपर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि कार्बन के एटम के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे Cl एक्टिव चार्ज है, क्योंकि जो एल्कोक्साइड आयन है इट इज ए बेटर बेस, इट इज ए स्ट्रॉन्गर बेस, इट इज नॉट ए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसकी बल्किनेस की वजह से वो कार्बन एटम जहाँ पे थोड़ी स्टेरिक हिंड्रेंस भी है, जिसपे 2H और एक CH3 है, उस पर इसके अटैक करने के चांस कम होंगे, तो इसलिए बेस का काम करेगा। और इसलिए अल्कोहलिक केच जब भी हम डालते हैं तो बोलो कौन सी रिएक्शन चलती है, आपकी रिएक्शन कौन सी चलेगी, आपकी रिएक्शन चलती है एलिमिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, एच और सी एल यहाँ से लॉस हुआ और इस टाइप से एल्कीन बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे बोलो, अब यहाँ पे आपकी एल्कीन विल बी फॉर्म्ड। तो देखो अब हम एल्कीन बना देते हैं, तो ये जो हमने अभी आपको बताया कि किस तरह से अल्कोहलिक केच अटैक करता है, तो उसको हम क्लियर कर देते हैं, देखो यहाँ से, तो ये आप समझ गए एल्कीन हमें ऑब्टेन हो गई। तो एल्कोहलिक केच डालने से अब आप डायरेक्टली याद रखेंगे, जब कभी भी आपको एल्काइल हैलाइड के अंदर से एक कार्बन एटम के ऊपर से Cl हटाना हो, उसके नेबरिंग कार्बन एटम के ऊपर से आपको एक H हटाना हो, तो आप क्या डालेंगे, हमेशा ध्यान रखें आप डालेंगे एल्कोहलिक QH, इट कॉजेस द एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर हम एक्वस QH डाले तो क्या होगा, एक्वस है तो इसमें देखो ये वाटर ही है, एक्वस मीन्स वाटर, वाटर क्या देगा H पॉजिटिव आयन एंड द OH नेगेटिव आयन, सिमिलरली के ओ एच से हमें क्या मिलेगा, के एच विल गिव द के पॉजिटिव आयन एंड द ओ एच नेगेटिव आयन, सो द ओ एच नेगेटिव आयन आर ऑफ सेम नेचर, ओ एच नेगेटिव आयन, सो ओ एच नेगेटिव आयन क्या है, इट एक्ट एज द स्ट्रोंगर न्यूक्लियोफाइल, इट इज नेवर बी ए स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, ये स्ट्रोंगर न्यूक्लियोफाइल है, तो ये अटैक किस पे करेगा, इस कार्बन के ऊपर, और यहाँ से ये Cl, देखो इस स्टेप से Cl निकल जाएगा, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है यहाँ पे, आपका Cl हटके बोलो क्या लग गया यहाँ पे OH, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर बोलो क्या है यहाँ पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर बोलो क्या था स्लाइट नेगेटिव चार्ज, तो OH नेगेटिव उस सेंट्रल कार्बन एटम के ऊपर अटैक करेगा जिसके ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है, तो नाउ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो आपने क्या देखा, ये रीजनिंग टाइप क्वेश्चन हमने आपको पहले बताया भी था कि एल्कोहलिक केच कॉजेज द एलिमिनेशन रिएक्शन व्हाइल द एक्वस केच कॉजेज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसी के साथ साथ जो अभी हमने आपको बताया कि एक्वस QH ना यूज करके हम मॉइस्ट Ag2O भी यूज कर सकते हैं, देखो वो कैसे, यहाँ पे हम आपको बताएं कि ये आपका है सिल्वर ऑक्साइड, देखो अगर ये ड्राई होता तो Ag2O ही रहता, अगर हम इसके अंदर थोड़ा वाटर ऐड कर देते हैं इस टाइप से, देखो H2O, तो देखो इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा, देखो Ag2 है, देखो Ag, ऑक्सीजन भी देखो 2 हो गई, H भी देखो 2 हो गए, शुरू में हम H लगा 2 लिख देते हैं यहाँ पे, तो AgOH means silver hydroxide means moist Ag2O को हम क्या कहते हैं, moist Ag2O means silver hydroxide, तो silver hydroxide भी क्या रिएक्शन करेगा उसी टाइप से, Ag तो बोलो किसको ले जाएगा यहाँ से, Cl को, AgCl और OH लग जाएगा, तो Cl हटा के OH लगाना हो तो you have the two options, यानी इधर ऐड द aqueous QH और you add the moist Ag2O, या हम क्या ऐड करेंगे बोलो, moist Ag2O, तो हम इन चीजों को देखो यहाँ से क्लियर कर देते हैं और हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो मीन Cl हटेगा यहाँ से और बोलो क्या लग जाएगा, अब यहाँ पे आपका लग जाएगा यहाँ पे OH, देखो ये OH लग गया, इथेनॉल बन गया, मीन क्लोरो इथेन को आपने किस में कन्वर्ट किया, एल्कोहल इथेनॉल में, क्लोरो इथेन को किस में भी कन्वर्ट किया, इथीन में, एल्कोहलिक केच डाल के, क्लोरो इथेन को किस में कन्वर्ट किया, एल्केन में, इथेन के अंदर रिडक्शन करवा के, तो जो अभी आपने मॉइस्ट Ag2O लिया, अगर मॉइस्ट Ag2O ना होता, ड्राई होता तो क्या होता, अब हम वो देख लेते हैं, देखिए अगर आपके पास ड्राई Ag2O होता तो क्या होता, तो उस वक्त क्या होता कि यहाँ पे ड्राई Ag2O तो ये सच रहेगा, इसके अंदर दो सिल्वर है, कितने सिल्वर है बोलो ड्राई Ag2O के अंदर, Ag2O फार्मूला है सिल्वर ऑक्साइड का, तो दो Ag है, एक Ag तो देखो इस एक Cl को ले जाएगा, तो मीन्स 2 मोल यूज होंगे, देखो हम 1 मोल और लिख देते हैं यहाँ पे, वही एल्काइल हैलाइड का CH3CH2Cl, तो एक Ag एक Cl को ले गया, दूसरा Ag दूसरे Cl को ले गया, बच गया कौन, बच गया ये एल्काइल पार्ट, इथाइल पार्ट, देखो इथाइल पार्ट, देखो ऐसे इथाइल पार्ट, प्लस में एक ऑक्सीजन बच गई है इसकी, तो ये ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाती है, तो ऑक्सीजन के दोनों साइड में क्या लग जाएंगे, इथाइल पार्ट, देखो इस टाइप से,
आपका AgCl निकल गया, दो मोल निकल गए, तो ओ देखो ये जो ओ था अभी हमने बताया, ओ के दोनों साइड में क्या लग गया, देखो ये इथाइल पार्ट, इधर भी इथाइल पार्ट, ओ के दोनों साइड में एल्काइल पार्ट लग जाए तो अपने इथर्स कहते हैं, इथोक्सीथेन इज द नेम। तो क्या बन गए बोलो आपके, इथर्स, बोलो क्या बन गए यहाँ पे, इथर्स। तो आपने डिफरेंस देखा कि एल्कोहलिक क्यूएच डाला तो बोलो क्या बने, एल्कीन, एक्वस क्यूएच डाला तो क्या बना, इथेनॉल, एल्कोहल्स बन गए, सीएल हटाओ एच लगा। ऐसे ही अगर आपने मोइस्ट Ag2O डाला तो क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई, आपके सीएल हटके एच लग गया। मोइस्ट की वजह अगर हम ड्राई Ag2O डालते हैं तो क्या हो जाता है, आपके इथर्स बन जाते हैं। तो कंपेरिजन हमें हमेशा याद रखना है। तो ये हमने देखा कि ड्राई सिल्वर ऑक्साइड डालने से इथर्स बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है कि इथर्स और कहां से बनता है। देखो एक रिएक्शन है जिसे विलियमसन सिंथेसिस, उसका मैकेनिज्म भी हम पढ़ेंगे, उसमें होता क्या है। देखो जो भी इथर होता है उसमें एक ही काम किया जाता है आपके, वो काम ये किया जाता है कि हमेशा ही हमेशा क्या करो, जो भी ये तो सिमेट्रिकल इथर आपके सामने, किसी भी एक साइड से आप देखो आप क्लीवेज कर दो ओके एक साइड में ऐसे, तो ओ नेगेटिव होगा और दूसरा पार्ट बोलो क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, दूसरा पार्ट बोलो क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। उसके बाद क्या होता है कि अगर ये सिमेट्रिकल ना होता तो हम क्या करते, हमें इसमें ऐड करना है NaCl आपके रिएक्टेंट का पता लगाने के लिए। देखो जो भी इथर दे रखा हो, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ कैन यू प्रिपेयर द इथोक्सीथेन, जो इथोक्सीथेन है इसे हमें प्रिपेयर करना बाय द विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस से इथोक्सीथेन को प्रिपेयर करें। तो रिएक्टेंट कौन है यही हमें पता लगाना है। तो रिएक्टेंट को का कैसे पता लगाएं, इथर का नाम गिवन मिलेगा एग्जाम में, जैसे इथोक्सीथेन आपने स्ट्रक्चर ड्रा कर दी जैसे आपको दिख रही है, तो फिर हम क्या करें NaCl ऐड कर दें, किसी भी एक साइड से ऐसे क्लीवेज दिखा दे जैसे हमने दिखाया, ओ के ऊपर नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, तो नेगेटिव के पास NaCl का क्या ऐड होगा, Na पॉजिटिव, और इधर क्या ऐड होगा, Cl नेगेटिव। सो दीज आर द रिएक्टेंट, दो हिस्से बन गए। एक रिएक्टेंट तो बोलो कौन बना, CH3CH2Cl, देखो जो हमने शुरू में ले ही रखा है क्लोरोइथेन, और दूसरा बोलो कौन बन गया, दूसरा बन गया ये O नेगेटिव Na पॉजिटिव मींस सोडियम इथोक्साइड, बोलो कौन बन गया, सोडियम इथोक्साइड। तो दो रिएक्टेंट का देखो हमें पता चल गया इस स्टेप से, तो दो रिएक्टेंट का हम इस स्टेप से पता लगा लेते हैं, क्लियर हो गया। तो ये हमने लिखी देखो रिएक्शन, तो सोडियम इथोक्साइड हो गया, NaCl आपका साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो हमें ये काम कैसे किया जाता है, कैसे रिएक्टेंट का पता लगाएं, वो हमने देख ही लिया। अब हम डायरेक्ट चलते हैं, देखो अगर हमारे पास क्लोरोइथेन हो, इसमें हम डाल क्या डाल दें, सोडियम इथोक्साइड, तो बोलो क्या निकलेगा, यहाँ से Na निकलेगा और यहाँ से बोलो क्या Cl, देखो ये निकल जाएगा। ये निकला कैसे, ये देखो कुछ ऐसे निकला, इसका जो मैकेनिज्म है आगे हम देखे भी गए, आपको थोड़ा आइडिया दे दें कि जो कार्बन है इसके ऊपर तो देखो स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl के ऊपर क्या होता है, स्लाइट नेगेटिव चार्ज होता है, देखो Cl के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज। तो जो सोडियम इथोक्साइड है जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन अटैक किस पे करेगा, पॉजिटिव चार्ज पे, पॉजिटिव किस में एल्काइल हैलाइड पे, कार्बन के ऊपर, देखो ये ऑक्सीजन जिस पे नेगेटिव चार्ज है, इट विल अटैक ऑन द कार्बन एटम हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के आपके चार बॉन्ड पहले से थे अब पांच हो जाएंगे, अटैक मींस फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू बॉन्ड, ऑक्सीजन ने नया बॉन्ड बना लिया कार्बन के साथ, तो यहाँ से बोलो Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके देखो निकल जाएगा इस टाइप से, Cl नेगेटिव, तो यहाँ पे कौन बच गया था बोलो Na पॉजिटिव, यहाँ से कौन Cl नेगेटिव, तो वही तो हम कह रहे हैं ये साइड प्रोडक्ट, बोलो क्या निकल गया NaCl, दैट इज द विलियमसन सिंथेसिस। यही सिंपल साइज का मैकेनिज्म भी होता है, तो विलियमसन सिंथेसिस से हम इथर बना सकते हैं एल्काइल हैलाइड और सोडियम एल्कोक्साइड लेकर। अब एक चीज और हम आपको साथ के साथ बता दें कि अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल, अगर हमारे पास इस टाइप से मान लीजिए हमें अनसिमेट्रिकल इथर बनाना होता तो हम क्या करते हैं, तो फिर हमें क्या करना है कि क्लीवेज कुछ इस टाइप से करें कि जो एल्काइल हैलाइड वाला पार्ट था, जो NaCl जैसे हमने ऐड करना है, ये प्रोडक्ट है, इथर बनाना है, कहां से बनाना है, रिएक्टेंट कौन हो, तो हमेशा ही क्लीवेज इस टाइप से करें कि ऑक्सीजन बड़े ग्रुप के साथ रहे, देखो ऐसे ऐसे, इस O नेगेटिव और इधर ये पॉजिटिव, तो इधर आ जाएगा बोलो कौन Na पॉजिटिव और इधर कौन होगा Cl नेगेटिव। देखो ऐसा किस लिए, अब दो रिएक्टेंट आपके बन गए ना, तो C के ऊपर बोलो क्या लगा हुआ है, C के ऊपर लगा हुआ है यहाँ पे देखो 3H, देखो ऐसे, और एक बोलो कौन होगा यहाँ पे Cl, तो कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज और Cl के ऊपर क्या होगा स्लाइट नेगेटिव चार्ज। दूसरा रिएक्टेंट बोलो कौन है, दूसरा रिएक्टेंट है आपका ये, बोलो कौन है दूसरा, देखो मैं इस साइड में लिख देता हूँ, दूसरा आपका ये है CH3, ये CH2 और ये O नेगेटिव, देखो ऐसे, और Na पॉजिटिव, क्लियर हो गया। तो हमें रिएक्टेंटों का भी देखो इस स्टेप से पता चल गया। अब देखो अगर हम मैकेनिज्म देखें तो क्यों हमने ऐसा किया कि क्लीवेज क्यों हमने ऐसा किया कि Cl तो स्मॉलर ग्रुप की तरफ लगेगा और जो Na पॉजिटिव है वो आपके ऑक्सीजन के साथ लगेगा,
यानी ओ के साथ बड़ा ग्रुप रहेगा ऐसा, इसलिए कि देखो ओ के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है जब हम रिएक्शन करते हैं तो ऑक्सीजन का ही तो होगा अटैक मैकेनिज्म के दौरान, और ऑक्सीजन का जब अटैक होगा कार्बन के ऊपर वो इजिली तभी हो पाएगा अगर उस कार्बन एटम कंटेनिंग द सीएल, वो कार्बन जिसपे सीएल, उसके ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस ना हो। अब देखो इस पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, इस पे देखो कौन अटैच है, यहाँ पे एच अटैच है, सो दैट रिएक्शन विल टेक्स प्लेस इजिली, ये रिएक्शन बड़ी आराम से हो जाएगी, इजिली हो जाएगी। फिर आप में से किसी के दिमाग में क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि सर अगर हम रिवर्स कर देते तो क्या होता, तो देखो हम आपको रिवर्स भी करके दिखा देते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मींस अगर हम इसकी क्लीवेज कुछ कैसे कर दें, देखो रिवर्स, देखो इस टाइप से इधर से, मींस ऑक्सीजन को स्मॉलर ग्रुप के साथ रखे, तो ये देखो इधर पॉजिटिव ओ नेगेटिव के इधर वाला कौन ऐड कर दिया हम, Na पॉजिटिव, और इधर वाला कौन Cl नेगेटिव। तो अब देखो आपके कौन बना, एक तो ये बन गया देखो CH3 ओ नेगेटिव और Na पॉजिटिव सोडियम मेथॉक्साइड, और दूसरा एल्काइल हैलाइड कौन बना, देखो ये बन गया आपका ये कार्बन, कार्बन के ऊपर बोलो हमने क्या लगा दिया Cl, और कार्बन के ऊपर कौन अटैच है, देखो दो तो H अटैच है, और एक बोलो कौन अटैच हो गया आपका, देखो ये CH3 हो गया, देखो ये C के ऊपर ये CH2 और एक CH3 भी तो है यहाँ पे। तो अब कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज, अब देखो ये अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर देखो ऐसे, तो अब देखो यहाँ पे CH3 भी तो आ गया ना, यहाँ पे तो सिर्फ H थे, तो इट विल कॉज स्लाइट स्टेरिक हिंड्रेंस, तो मींस अब अटैक इजिली नहीं हो पाएगा, अटैक होने के चांस कम होंगे, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन स्लोवर होगी, और इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन बोलो क्या होगी, यहाँ पे फास्ट चलेगी रिएक्शन, इजिली अटैक हो पाएगा, और यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगी, अगर अटैक हो भी गा तो इसके अटैक होने के चांस थोड़े कम होंगे। तो इसलिए इस चीज को आपको विलियमसन सिंथेसिस के दौरान जब कभी भी आपको इथर बनाने हो, बिकॉज इट इज ए रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड द सोडियम एल्कोक्साइड, तो इसलिए जब भी आपको ये रिएक्शन करनी हो तो डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि राइट ए नोट ऑन द विलियमसन सिंथेसिस, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द विलियमसन सिंथेसिस, या दैट इज द इथर एंड प्रिपेयर इट बाय यूजिंग द विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस को यूज करते हुए आप बनाए। तो ये चीजें आपको ध्यान रखेंगे, सारी चीजें अभी आपको बता दी गई है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, तो ये तो हो गया हमारा, अब हम देख रहे हैं रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड, तो एल्काइल हैलाइड से हमने क्या क्या प्रिपेयर कर लिया अभी तक बताओ, हमने एल्केन प्रिपेयर किए, उसके बाद हमने एल्कीन प्रिपेयर की, और उसके बाद एल्कोहल, उसके बाद हमने इथर्स प्रिपेयर किए। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि जो हमने एल्कोहलिक क्यूएच जब डाला था, जब आपके पास बोलो क्या बन गई थी वहां पे एल्कीन, अब क्वेश्चन ये उठता है, बड़े ध्यान से सोचें आप, अगर हमें एल्काइन बनानी हो तो क्या करें, जो एल्काइल हैलाइड है जो क्लोरोइथेनिक, क्या हम इसको डायरेक्ट एल्काइन में कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, तो क्वेश्चन आया कि नहीं डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, तो फिर क्या करें, तो वही अब हम देख रहे हैं, सबसे पहले हमें इसको एल्कीन में ही कन्वर्ट करना होगा, एल्कीन में देखो हमने कन्वर्ट कर दिया, रिएजेंट हम कुछ लगभग वैसे यूज करेंगे। अब एल्कीन के अंदर जब हम Cl2 ऐड करते हैं तो एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, द Cl2 विल ऐड अक्रॉस द डबल बॉन्ड, दोनों कार्बन के ऊपर एक एक Cl ऐड हो जाएगा, देखो इस टाइप से डाई हैलाइड्स बन गए। अब उसके बाद अब हम क्या करें, हमें बनाना है बोलो कौन एल्काइन, तो आपको दिख रहा है बड़े ध्यान से जो काम अब हम कर सकते हैं कि जो ये आपका H है, देखो अभी हमने पर्पस देखा था एल्कोहलिक क्यूएच क्या करता है, एल्कोहलिक क्यूएच क्या करता है, एक कार्बन के ऊपर से Cl को रिमूव करता है, उसके नेबरिंग कार्बन एटम के ऊपर H, तो हम ये चाहते हैं, और एक आपका सिंगल बॉन्ड था बीच में डबल आ गया। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे फर्दर रिएक्शन करना चाहें और एल्कोहलिक क्यूएच डाल दे तो क्या होगा, देखो ये जो कार्बन है एक कार्बन के ऊपर से बोलो क्या निकलेगा, यहाँ से आपका H, दूसरे कार्बन के ऊपर से Cl, बीच में डबल, अब की बार इस कार्बन एटम के ऊपर से देखो यहाँ से Cl, और उसके नेबरिंग जो कार्बन एटम है उसके ऊपर से बोलो क्या निकाल देंगे हम H, तो देखो एक HCl निकला तो एक बॉन्ड आ गया पाई बॉन्ड, एक और HCl निकला एक और पाई बॉन्ड आ गया, मींस ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है, 2 moles ऑफ HCl आपके लॉस हो जाएंगे, तो इस टाइप से एल्काइन बन जाती है, बोलो क्या बन जाती है आपकी एल्काइन। तो आपने ये देखा कि एल्काइन डायरेक्ट नहीं बनाया गया, एल्काइन बनाने के लिए बोलो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो एल्काइल हैलाइड है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले इथीन के अंदर, और फिर उसको डाई हैलाइड में कन्वर्ट करेंगे, और डाई हैलाइड में कन्वर्ट करने के बाद ही तो हम दोबारा से एल्कोहलिक एच डालेंगे, और एल्कोहलिक एच से एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, क्योंकि 2 Cl है तो इसलिए 2 mole ऑफ HCl आपके लॉस हो जाएंगे, और इस टाइप से ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और एल्काइन आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। तो एग्जाम में ये कन्वर्जन आपके आ सकते हैं कि कन्वर्ट क्लोरोइथेन इंटू इथीन, कन्वर्ट क्लोरोइथेन इंटू इथाइन, इस टाइप से आपके कन्वर्जन आ सकते, तो आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं, जो इथाइन हमने लिया अभी, अगर हम उसमें HCl डाल दे तो अब क्या होगा, हमने आपको ये बताया था जो डाई हैलाइड है वो 2 type के हो सकते हैं,
वन इज द जेमिनल, अदर वन इज द विसिनल. आप हमें ये बताएं कि जो एल्कोहलिक क्यूएच अभी अभी हमने ये डाला था क्लोरोइथेन के अंदर, तो क्या बने थे? एल्कीन. और उसमें जब सीएल टू एड किया तो क्या बने? डाई. लेकिन कौन से डाई हेलाइड? हेयर द टू सीएल आर प्रेजेंट ऑन द नेबरिंग कार्बन एटम, सो दैट इज कॉल्ड द विसिनल डाई हेलाइड. बोलो कौन से डाई हेलाइड है आपके? ये आपके विसिनल डाई हेलाइड. देखो यहाँ पे प्रिपेयर हो गए थे, ठीक है. अब हम हमें बनाना हो जेमिनल डाई हेलाइड तो क्या करें? तो जो भी आपके पास ये एल्काइन बनी थी, हमने इसमें एच सी एल एड किया, तो एक जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड का क्लीवेज होगा और आपके एच सी एल एड हो जाएगा क्रॉस द ट्रिपल बॉन्ड. देखो डबल ट्रिपल डबल में बदल गया है, वन बॉन्ड आपका ब्रेक हुआ था, एक कार्बन पे एच एड कर दिया, दूसरे पे सी एल. अब क्या करें? अगर हमें फर्दर एच सी एल एड करना पड़ जाए तो अब हम लगाएंगे मार्कोनिकोफ्स रूल. बोलो मार्कोनिकोफ्स रूल क्या कहता है? मार्कोनिकोफ्स रूल ये कहता है कि आपके पास जो एल्काइल हैलाइड है, उस एल्काइल हैलाइड के अंदर जो आपका एच पॉजिटिव होता है और सी एल बोलो क्या होता है आपका? नेगेटिव. तो जो नेगेटिव पार्ट है किस पे एड होगा? द नेगेटिव पार्ट विल अटैच, द नेगेटिव पार्ट विल अटैच टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम. जो ये डबली बॉन्डेड, देखो ये कार्बन एटम देखो आपको दिख रहा है, देखो ये इस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम में वो कौन सा कार्बन है जिसके ऊपर एच कम है? देखो इसके ऊपर, राइट वाले के ऊपर, इसके ऊपर एच कम है. तो नेगेटिव पार्ट विल अटैच टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम व्हिच कंटेन द लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो इसलिए सीएल तो लग जाएगा इसी कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर पहले से सीएल है, और दूसरे कार्बन लेफ्ट वाले कार्बन के ऊपर क्या लग जाएगा? एच. तो इस टाइप से हमें क्या मिल गए? जेमिनल डाइहेलाइड्स. क्या बन गए बोलो? जेमिनल डाइहेलाइड्स. इसका आप आईपैक नेम भी लिख सकते हैं कि 1,1 डाइक्लोरोइथेन. क्या नाम है बोलो इसका? 1,1 डाइक्लोरोइथेन. अगर हम विसिनल डाइहेलाइड का आईपैक नेम देखें तो क्या होगा? नंबरिंग करेंगे 1,2, 1 के ऊपर भी सीएल, दूसरे कार्बन पे भी सीएल, तो 1,2 डाइक्लोरोइथेन. तो अगर हमें 1,2 डाइक्लोरोइथेन बनाना हो तो आप बड़े आराम से क्लोरोइथेन को कन्वर्ट कर सकते हैं. पहले एल्कोहलिक क्वेच डालें फिर सीएल2. लेकिन अगर हमें जेमिनल डाइहेलाइड बनाना हो तो हम क्या करेंगे? तो फिर हमें क्या करना पड़ा? सबसे पहले एल्कीन बनी, फिर एल्काइन, एल्काइन के अंदर एच सी एल एड करेंगे, फर्स्ट मोल एड करेंगे तो कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन सेकेंड मोल जब एच सी एल का एड करते हैं तो मार्कोनिकोफ्स रूल के अकॉर्डिंग ही वो एड होगा. इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं अपनी अग्री रिएक्शन. अब कुछ कंपेरेटिव रिएक्शन आएंगी, जैसे कि हमने पहले भी देखी थी कि एल्कोहलिक एच डाले तो क्या होगा, एक्वस केस डाले तो क्या होगा. एल्कोहलिक केस डालने से आपने देखा एलिमिनेशन हुई, और एक्वस केस डालने से क्या हुई? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई. अब हम देखते हैं उसी टाइप के रिएक्शन कि अगर हम KCN डाले तो क्या होगा और AgCN डाले तो क्या होगा. जो KCN है इट इज एन आयनिक कंपाउंड. KCN बोलो क्या है? आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक हो गया तो K पॉजिटिव और CN नेगेटिव. तो क्या होगा यहाँ पे? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो आउट ऑफ द कार्बन एंड नाइट्रोजन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? नाइट्रोजन. तो इसलिए कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट हैज मोर टेंडेंसी टू डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर. तो इसलिए जो सी एन नेगेटिव में जो कार्बन है, ये जो नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है यहाँ पे सी एन नेगेटिव में, ये नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है. तो इसलिए कार्बन क्या करेगा? जो आपके एल्काइल हैलाइड है जिसमें कार्बन के ऊपर बोलो क्या है यहाँ पे? स्लाइट पॉजिटिव चार्ज. सीएल के ऊपर क्या है? स्लाइट नेगेटिव चार्ज. तो कार्बन के थ्रू अटैक होगा एल्काइल हैलाइड वाले सेंट्रल कार्बन एटम के ऊपर, और इस स्टेप से सीएल लॉस हो जाएगा. तो जो कार्बन का बॉन्ड किससे बना? सीएन से. सीएन में किससे? सी के थ्रू. मींस साइनाइड विल बी फॉर्म. बोलो क्या बन जाएंगे? साइनाइड. और साइनाइड का नाम क्या होगा इनका? प्रोपेन नाइट्राइल, क्योंकि दो कार्बन पहले से थे, एक कार्बन और आ गया जो सीएन वाला है. तो इस स्टेप से क्या बन गए? प्रोपेन नाइट्राइल प्रिपेयर हो गया. असेंडिंग ऑफ सीरीज हो गई, कार्बन एटम की संख्या बढ़ गई. अगर हम AgCN ले ले तो क्या होगा? देखो AgCN कैसा कंपाउंड? इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड. Ag और कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है. कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं, तो लोन पेयर सिर्फ किसके पास है? यहाँ पे लोन पेयर है सिर्फ नाइट्रोजन के पास. तो क्या हो? एल्काइल हैलाइड के साथ कैसी रिएक्शन हो? तो रिएक्शन जब होगी यहाँ पे तो देखो क्या होगा. तो एल्काइल हैलाइड में वो कार्बन जिसके ऊपर बोलो कैसा चार्ज है यहाँ पे? स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है देखो, और सीएल के ऊपर कैसा चार्ज? स्लाइट नेगेटिव चार्ज. तो कौन किसके थ्रू होगा अटैक? कौन बनाएगा वो? नाइट्रोजन के थ्रू. तो देखो नाइट्रोजन के थ्रू अटैक हुआ यहाँ पे, तो N के थ्रू बॉन्ड बनेगा. मींस NC, NC मींस आइसोसाइनाइड्स विल बी फॉर्म. तो इथाइल कार्बाइलामीन इसे कह सकते हैं, इथाइल आइसोसाइनाइड आप इसे कह सकते हैं. तो इस टाइप से आपने देखा बोलो कौन बन गया आपके पास? एल्काइल हैलाइड्स की जब रिएक्शन हुई KCN के साथ तो साइनाइड बनते हैं, और आपके AgCN के साथ रिएक्शन हो तो बोलो क्या बन जाते हैं आपके पास? आइसोसाइनाइड बन जाते हैं. तो नेक्स्ट रिएक्शन अब हमने देखी. अगर हम उसी टाइप से इसी कैटेगरी में नेक्स्ट हमारे कंपाउंड आएंगे पोटेशियम नाइट्राइट और द सिल्वर नाइट्राइट के साथ रिएक्शन. तो ये हमारे पास पोटेशियम नाइट्राइट लिया. पोटेशियम नाइट्राइट के अंदर आपने देखा कि ये आयनिक कंपाउंड है. ऑक्सीजन के ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज है,
ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज मीन्स एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो चुकी है नेगेटिव चार्ज आने की वजह से. जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है वही इलेक्ट्रॉन पेयर इजिली डोनेट करता है. तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देखो यहाँ पे डोनेट करेगा इस कार्बन को, जिस कार्बन के ऊपर बोलो कैसा चार्ज है यहाँ पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है, और सीएल के ऊपर बोलो कैसा चार्ज है स्लाइट नेगेटिव चार्ज है. अटैक करने से सीएल दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ निकल जाएगा, ओ के थ्रू बनेगा बॉन्ड तो नाइट्राइट ही बनेंगे. बोलो क्या बन जाएंगे, CH3CH2, सी का बॉन्ड ओ के साथ तो ओ एन ओ ग्रुप लग गया तो इथाइल नाइट्राइट विल बी फॉर्म्ड. तो बोलो क्या बन जाएंगे, इथाइल नाइट्राइट बन जाएंगे. सिमिलरली अगर हम पोटेशियम नाइट्राइट के बजाय सिल्वर नाइट्राइट ले ले तो क्या होगा, देखो सिल्वर नाइट्राइट यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसका सिल्वर के साथ कोवलेंट बॉन्ड है. अब जो दो एटम बच गए नाइट्रोजन के पास भी देखो यहाँ पे लोन पेयर है, और किसके पास है ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर, बट आउट ऑफ दी और किसी के पास भी नेगेटिव चार्ज नहीं है. जबकि पोटेशियम नाइट्राइट जो था, पोटेशियम जो नाइट्राइट था KONO, वो एक आयनिक कंपाउंड था, उसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था इसलिए ऑक्सीजन के थ्रू आपका बॉन्ड बना था. लेकिन AgONO के अंदर जो ऑक्सीजन है एक, उसने तो सिल्वर के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लिया. जो रिमेनिंग आपकी एटम है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जिनके बीच में डबल बॉन्ड है वो किसके ऊपर आपके पास लोन पेयर है, दोनों के पास लोन पेयर है. विच वन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव विच कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर इजिली, कौन अपने लोन पेयर को इजिली डोनेट कर सकता है, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव. कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन है, इसलिए नाइट्रोजन के थ्रू ही बॉन्ड बनेगा. नाइट्रोजन ही अपने लोन पेयर को बोलो क्या करेगा यहाँ पे डोनेट करेगा. देखो एन के थ्रू यहाँ पे बॉन्ड बना, एन के थ्रू ये सीएल दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, तो इसलिए एन के थ्रू बना तो बोलो कौन लगा, एनओ टू ग्रुप लग गया, नाइट्रो इथेन विल बी फॉर्म. बोलो कौन बन जाएंगे, नाइट्रो इथेन. तो ये कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आपको जरूर ध्यान रखने हैं कि पोटेशियम नाइट्राइड डाले तो आपके नाइट्राइड बने, सिल्वर नाइट्राइड डाला क्योंकि कोवलेंट नेचर है तो नाइट्रो कंपाउंड बन गया नाइट्रो इथेन. ऐसे KCN डाला जो आयनिक है तो साइनाइड बने, AgCN जो कि कोवलेंट कंपाउंड है वो डाला तो बोलो आपके क्या बने, आइसोसाइनाइड बने. आपने एल्कोहलिक KH डाला तो एल्कीन बन गई, एक्वस KH डाला तो एल्कोहल बन गए. मॉइस्ट Ag2O डाला जो कि सिल्वर हाइड्रोक्साइड ही होता है तो एल्कोहल बन गए. ड्राई सिल्वर ऑक्साइड हमने डाला तो क्या बन गया, आपके इथर्स बन गए. तो इस टाइप से इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है. दीज आर द कंपैरेटिव रिएक्शन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस. इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अमोनिया के साथ रिएक्शन. अमोनिया के साथ तो बड़ी सिंपल रिएक्शन होगी क्योंकि आप अमोनिया की स्ट्रक्चर तो देखो जानते ही हैं. देखो इसी टाइप से देखो ये अमोनिया है, देखो ऐसे कोई है नहीं. नाइट्रोजन के पास देखो एक लोन पेयर भी होता है. हुआ क्या कि जो लोन पेयर ये किसको थे, कार्बन के ऊपर देखो स्लाइड पॉजिटिव चार्ज होता है, सीएल के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज. रिएक्शन बिल्कुल वैसी चली, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इस कार्बन को दिए, सीएल दोनों इलेक्ट्रॉन लेके देखो निकल गया. लेकिन नाइट्रोजन जो अपने इलेक्ट्रॉन देगा नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन पेयर छीन लेता है एच से दोनों इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ से ही एच पॉजिटिव निकल गया. तो जो ये एच पॉजिटिव निकला, ये एच पॉजिटिव निकल जाएगा देखो यहाँ से, ये किसको ले जाएगा अपने साथ, सीएल नेगेटिव को. तो साइड प्रोडक्ट बोलो क्या निकलेगा यहाँ पे, एच सी एल. बोलो क्या निकल जाएगा यहाँ पे, साइड प्रोडक्ट एच सी एल निकलेगा यहाँ पे, ये वाटर नहीं निकलेगा साइड प्रोडक्ट, द साइड प्रोडक्ट विल बी द एच सी एल. देखो आपको साफ साफ दिख रहा है. और कौन जा लगा कार्बन के साथ, एन एच टू ग्रुप. देखो इस टाइप से तो आपके इथेन अमीन बन गए जो कि प्राइमरी अमीन है. प्राइमरी अमीन क्यों कहा कि जो अमोनिया होता है NH3 बोलो कौन होता है, अमोनिया. नाइट्रोजन के ऊपर तीन एच होते हैं, अगर हम एक एच हटके एक आर ग्रुप लगा दें, एक एच हटके अमोनिया का एक एच हटके एक आर ग्रुप लग गया सो कॉल्ड प्राइमरी अमीन. अगर ऐसे दो आर ग्रुप लग जाएंगे सेकेंडरी अमीन, थ्री लग जाएंगे आपके टर्शियरी अमीन, अगर चार लग जाएंगे तो आपके क्वार्टनरी अमीन, क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा. तो आपके प्राइमरी अमीन यहाँ पे बन गया. अब हम नेक्स्ट चलते हैं. अब हम देखो दो काम करेंगे यहाँ पे, दो पॉसिबिलिटी हम करने वाले हैं, दो रिएक्शन अब हम देखने वाले हैं. वो क्या, अगर हम यहाँ पे क्या डाल दे बोलो, अमोनिया डाल दे एक्सेस में, क्या डाल देते बोलो, अमोनिया एक्सेस में होता तो क्या होता. अगर हम अमोनिया एक्सेस में डाल देंगे यहाँ पे तो एमीन जो है अमोनिया के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, नो रिएक्शन विल अकर, फर्दर रिएक्शन नहीं होगी. देखो हमारे पास दो रिएक्टेंट है, वन इज द एल्काइल हैलाइड जो क्लोरोइथेन है, दूसरा अमोनिया है. दो ही रिएक्टेंट हमारे पास, इन दोनों को एक को एक्सेस में ले सकते हैं एक को एक्सेस में नहीं लेंगे. अज्यूम किया, मान लीजिए अमोनिया को एक्सेस में ले लिया तो आपके जो प्राइमरी अमीन बना था उसमें कौन बचा हुआ है कंटेनर के अंदर एक्सेस में, अमोनिया. तो प्राइमरी अमीन के साथ अमोनिया रिएक्ट नहीं करेगा, मींस नो फर्दर रिएक्शन. और आपके बीकर के अंदर सिर्फ क्या रहेगा, प्राइमरी अमीन, इथेन अमीन. लेकिन अगर हम रिवर्स कर दे देखो, मींस अमोनिया कम ले लें, एल्काइल हैलाइड ज्यादा हो, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया देखो C2H5Cl की, यही तो है क्लोरोइथेन. अगर हम ये एक्सेस में ले ले तो क्या होगा, तो जो प्राइमरी अमीन अभी आपको ये बने हुए दिख रहे हैं इसमें क्या होगा, यहाँ से देखो इस जो NH2 ग्रुप है इसका एक एच हटेगा देखो यहाँ से, और जो C2H5Cl है उसका देखो ऐसे Cl निकलेगा. उसी टाइप से जैसे मैकेनिज्म अभी आपको पीछे समझा ही दिया हमने किस तरह से अटैक होता है, तो HCl निकल जाएगा यहाँ से. बोलो वाटर नहीं, बोलो क्या निकलेगा, ये
सीएल निकलेगा। और एच हटके बोलो क्या लग गया, सी टू एच वाई ग्रुप लग गया। देखो ऐसे तो नाइट्रोजन के ऊपर देखो एक एच हटके एक एच ही बच गया आपका, सेकेंडरी एमीन हो गए। तो नाइट्रोजन के ऊपर दो दो सी टू एच वाई ग्रुप लग गए, दो दो एल्काइल ग्रुप लग गए, सो दैट इज द सेकेंडरी एमीन। अगर फर्दर और भी एक्सेस में अगर हम डाल दें, एक्सेस में क्या डाल दें हम, एल्काइल हैलाइड, देखो इसी टाइप से, तो क्या होगा उसी टाइप से। देखो एल्काइल हैलाइड का आपका सीएल और ये इसका बोलो क्या एच, फिर से आपका एच सी एल लॉस हो जाएगा। बोलो क्या लॉस हो जाएगा यहाँ से, देखो हमने एच सी एल लिखा। अब तीन आपके बोलो कौन लग गए, थायल ग्रुप लगे, तो नाइट्रोजन के ऊपर थ्री थायल ग्रुप आ गए, थ्री आर ग्रुप आ गए, सो दैट इज द टर्शरी एमीन। बोलो क्या बन गया यहाँ पे, टर्शरी एमीन बन जाते। अगर हम फर्दर एक्सेस में ले लें, बोलो क्या ले लें फर्दर एक्सेस में, तो अब की बार क्या होगा, अब की बार तो ये होगा जो नाइट्रोजन है जिसके पास देखो लॉन पेयर है, इस एल्काइल हैलाइड की स्ट्रक्चर को देखो मैं थोड़ा ओपन करके ही लिख देता हूँ, देखो इस टाइप से ताकि आप अच्छे से समझ पाए। देखो ये सी एच टू सी एल और ये हमने यहाँ पे सी एच थ्री लिख दिया। कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है और सीएल के ऊपर बोलो क्या है, ये स्लाइट नेगेटिव चार्ज। अब ये नाइट्रोजन देखो, ये नाइट्रोजन जिसके ऊपर लॉन पेयर बच गया, ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इस कार्बन को, और ये यहाँ पे सीएल नेगेटिव निकल जाएगा। पीछे तो आपने देखो बिल्कुल स्टार्ट में देखा था, जब नाइट्रोजन अपने लॉन पेयर डोनेट करता है तो नाइट्रोजन के साथ अब एन और एच के बीच जो ये बॉन्ड होता था, देखो बिल्कुल स्टार्ट में एच से इलेक्ट्रॉन छीन लेता था, लेकिन जो टर्शियरी अमीन है, अब जो हमारी रिएक्शन चल रही है नाइट्रोजन जिस पे लॉन पेयर, इस पे कोई एच ही नहीं है, तो मीन्स नाउ द नाइट्रोजन एटम एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज। और नाइट्रोजन के ऊपर सी टू एच फाइव थ्री पहले थे, एक और सी टू एच फाइव ग्रुप लग जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस बॉन्ड को बनाने में ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। द बोथ इलेक्ट्रॉन्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड आर ऑफ नाइट्रोजन एटम, दोनों के दोनों नाइट्रोजन के लॉन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए अब नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव के पास कौन घूमेगा, ये सीएल नेगेटिव, सो द क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट इज फॉर्म। बोलो कौन बन गया, क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट। और जो ये रिएक्शन है इसको कहते हैं बोलो क्या, होफमान एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन। ये रिएक्शन जिस साइंटिस्ट ने की थी उसका नाम होफमान है, और आपकी रिएक्शन कहलाई होफमान एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन। और इस रिएक्शन के दौरान, होफमान एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन के दौरान, आपके हर बार कौन एग्जॉस्ट हो रहा है, कौन यूजअप हो रहा है, इन एवरी स्टेप द एल्काइल हैलाइड गेट यूजअप, एल्काइल हैलाइड हर स्टेप के अंदर यूज हो रहा है, एग्जॉस्ट हो रहा है, यूजअप हो रहा है, इसलिए एग्जॉस्ट हो रहा है कौन, आपका एल्काइल हैलाइड, एल्काइल ग्रुप हर बार जा जाके लग रहा है, इसलिए एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन। ये रिएक्शन दी थी होफमान ने, सो कॉल्ड द होफमान एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन। होफमान एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन के दौरान हमें क्या मिलते हैं, वी गॉट अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन एंड द क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट। एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन के दौरान, होफमान एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन के दौरान बोलो हमें प्रोडक्ट क्या मिले, वी गॉट अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन एंड द क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट। ये आपको ध्यान रखना है। और ये रिएक्शन चलती कब है, जब हम किसको एक्सेस में ले, हमारे पास दो ही तो रिएक्टेंट थे, वन इज द एल्काइल हैलाइड, अदर वन इज द अमोनिया। किसको एक्सेस में लिया, एल्काइल हैलाइड को, तभी तो हर बार एल्काइल हैलाइड को एक्सेस में लेते हैं, तभी तो एल्काइल ग्रुप की संख्या बढ़ती चली जाती है नाइट्रोजन के ऊपर, तभी तो एल्काइल ग्रुप आके लगता है, तभी तो एल्काइल ग्रुप एग्जॉस्ट होता है, यूजअप होता है एवरी स्टेप के अंदर। तो ये थी डिफरेंट एल्काइलेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे जो हमने एक रिएक्शन देखी थी जो थी विलियमसन सिंथेसिस, अब हम उसका दोबारा मैकेनिज्म और उसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो विलियमसन सिंथेसिस, मान लीजिए ये है हमारे पास कोई इथर, इसको हमें प्रिपेयर करना है, हमने आपको पहले ही सिखा दिया था कि आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। बोलो हमने कैसे बताया था, ऑक्सीजन को हमेशा बिगर ग्रुप के साथ रखना है, तो ओ के एक साइड में देखो सी एच टू सी एच थ्री छोटा ग्रुप है, दूसरी साइड में आपका क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, तो इसकी क्लीवेज कुछ ऐसे होगी, ये ओ नेगेटिव होगा, इधर ये पॉजिटिव होगा, इधर एन ए पॉजिटिव आप लगा दें, और दूसरी साइड में बोलो क्या लगा दें, इधर आप सी एल नेगेटिव लगा दें, यानी इस टाइप से आप करेंगे। पीछे हमने बता भी दिया था लेकिन फिर से भी देख लेते हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी तो ये हुई जैसे अभी मैंने बताया, क्लीवेज कुछ ऐसे कर दें कि ओ नेगेटिव एन ए पॉजिटिव, और सेकेंड क्या लग गया बोलो आपका सी एस थ्री सी एस टू सी एल, दैट इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी हम इससे रिवर्स कर सकते हैं, देखो सेकेंड पॉसिबिलिटी में हम क्लीवेज दोबारा से करके दिखाते हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं। अगर हम रिवर्स कर देते देखो इस स्टेप से, तो क्या होगा, ये नेगेटिव और बोलो ये क्या पॉजिटिव, अब इधर क्या आएगा नेगेटिव के पास एन ए पॉजिटिव, और इधर क्या सी एल नेगेटिव। हम रिएक्टेंट्स का पता लगा रहे हैं, विलियमसन सिंथेसिस के दौरान इथर्स बनते हैं, ये इथर इज ए प्रोडक्ट, तो ये इथर कहाँ से बना, रिएक्टेंट कौन हो, तो रिएक्टेंट्स का पता लगाने के लिए हमने आपको पहले बताया था कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की क्लीवेज हम करके उनके ऊपर स्लाइड पॉजिटिव यानी नेगेटिव चार्ज लगा के NaCl को हम ऐड करके देखते हैं, और NaCl ऐड करने के बाद जो होते हैं वो रिएक्टेंट। यहाँ पे पॉसिबिलिटी दो हो सकती थी, दोनों पॉसिबिलिटी आपके सामने हमने लिखी,
तो ये आपके एल्कोक्साइड हो जाएगा। देखो CH3 CH2 ओ नेगेटिव एन ए पॉजिटिव यही बन गया। अब हम अटैक करके देखते हैं, देखो किसमें क्या। मान लीजिए यही हम ले लेते हैं सेकंड वाला केस, ओ नेगेटिव का अटैक बोलो किस पे होगा, इस कार्बन के ऊपर। लेकिन ये अटैक इजिली नहीं होगा बिकॉज देर इज द स्टेरिक हिंड्रेंस ऑन दैट कार्बन एटम। देखो इस कार्बन एटम के ऊपर देखो स्लाइट पॉजिटिव स्लाइट नेगेटिव चार्ज वो तो है ही, रिएक्शन तो हो जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे थ्री आपके बल्कि एल्काइल ग्रुप है which causes the steric hindrance, इसलिए O negative easily इस central carbon atom के ऊपर attack नहीं कर पाएगा, और नहीं कर पाएगा तो ये reaction नहीं होगी। अब हम ऊपर वाली reaction को देख लेते हैं, वहाँ पे क्या होगा, carbon के ऊपर slight positive charge, X के ऊपर slight negative charge, उसी type से, तो oxygen उसके ऊपर attack करेगा, अब easily attack कर पाएगा, बोलो क्यों? क्योंकि इस carbon atom के ऊपर कौन है? अगर हम open form में भी इसको show करते हैं, तो इस carbon के ऊपर देखो ये जो दो H लगे हुए थे, अगर हम इसको हटा दें और मैं कुछ ऐसे शो कर दूं कि एक H है एक और H है, तो बोलो क्या है, एक ही तो बल्कि ग्रुप है, देखो यहाँ पे CH3, तो इसलिए ऑक्सीजन इजीली अटैक कर पाएगा इस एल्काइल हैलाइड वाले कार्बन के ऊपर, और रिएक्शन कैन टेक प्लेस इजीली, जबकि नीचे क्या थे 3-3 आपके CH3 ग्रुप थे, तो यही तो हमने आपको पहले समझाया था। तो इस टाइप से ये रिएक्शन हो जाएगी और आपके विलियमसन सिंथेसिस से हमारा जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा। अब सिमिलरली इसी बेसिस के ऊपर देखो ये हमने क्या कहा कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द अनसिमेट्रिकल ईथर्स द स्मॉलर एल्काइल ग्रुप शुड बी प्रेजेंट इन द एल्काइल हैलाइड। तो छोटा जो ग्रुप है, देखो जो छोटा एल्काइल ग्रुप है वो किसके साथ रहना चाहिए, एल्काइल हैलाइड की फॉर्म में रहना चाहिए। जैसे हमने बताया देखो एल्काइल हैलाइड की फॉर्म में, नीचे हमने गलत ले लिया था, ये बड़ा ग्रुप एल्काइल हैलाइड की फॉर्म में था जो पॉसिबल नहीं है, देखो अटैक हो ही नहीं पाया। तो द स्मॉलर एल्काइल ग्रुप, देखो जो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप है दैट शुड बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड द लार्जर एल्काइल ग्रुप शुड बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द एल्कोक्साइड है, यही हमने आपको अभी तक एक्सप्लेन किया। अगर हम तो तभी ऐसा क्यों हो पाया था, ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस, यहाँ पे इस केस के अंदर जो रिएक्शन नहीं हुई थी तो क्यों नहीं हुई थी, हमने अभी आपको बताया ना क्यों नहीं हुई थी। इसकी आंसर आप कैसे लिखते हैं, कुछ ऐसे लिखते हैं, ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस बाय द टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। देखो ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, यहाँ पे कार्बन के ऊपर जो 3-3 CH3 है, तो 1-2-3 कार्बन और एक खुद ये कार्बन हो गया, 4 हो गए ना, सो कॉल्ड द ब्यूट, तो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप इन द एल्काइल हैलाइड ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है, एंड दस द जो ये इथोक्साइड आयन थे इसका जो ऑक्सीजन है ये इजिली अटैक नहीं कर पाएगा, एंड दस द इथोक्साइड आयन कैन नॉट इजिली अप्रोच द कार्बन एटम कैरिंग द एक्स एटम एंड द रिएक्शन डोंट अकर, इसलिए रिएक्शन नहीं होगी। अगर इसी टाइप से मान लीजिए हम एक क्वेश्चन और ले दें आपके सामने, एक एग्जाम्पल और ले लें, जैसे हमने मान लीजिए ये रिएक्शन करके देखनी है, तो इसमें क्या रिएक्शन होगी, इसके दो रीजन है कि जिसकी वजह से रिएक्शन ये नहीं हो पाएगी। मीन्स अगर हम सोडियम इथोक्साइड, एक रिएक्टेंट तो बोलो कौन है, ये सोडियम, दो कार्बन है तो इथ हो गया, ओ तो है ही, तो सोडियम इथोक्साइड रिएक्शन किसके साथ, एराइल हैलाइड हमने ले लिया ये, तो क्या रिएक्शन होगी, नहीं, क्योंकि ये जो कार्बन है ये अटैक देखो इस कार्बन के ऊपर करेगा, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर जो नेगेटिव चार्ज हुआ अटैक इस पे करेगा इस कार्बन के ऊपर, लेकिन ये अटैक करने के बाद ये बॉन्ड इजिली ब्रेक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड सिंगल नहीं है, क्योंकि ये आपके जो हेलोजन है एक्स उसके पास जो लोन पेयर है दे गेट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गए देखो इस टाइप से, जिसकी वजह से यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की वजह डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, इसलिए डबल बॉन्ड को तोड़ना इजी नहीं होता। तो देखो बिकॉज देर इज ए डबल बॉन्ड करेक्टर बिटवीन द सी एंड एक्स एटम ड्यू टू द रेजोनेंस, तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, जो ये न्यूक्लियोफाइल है C2H5 O नेगेटिव है कैन नॉट अप्रोच द इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग। दूसरी बात, जो ये बेंजीन रिंग है इसके पास हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होती है, इसलिए एक नेगेटिव चीज बेंजीन रिंग के ऊपर कभी अटैक कर ही नहीं सकती, क्योंकि ये आपका एराइल हैलाइड है जिसमें बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग के ऊपर अक्सर कौन अटैक करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, बिकॉज द बेंजीन रिंग टाइप कंपाउंड शोज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हम करवाना चाहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, सो द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कैन नॉट टेक्स प्लेस इजिली ऑन द बेंजीन रिंग ड्यू टू द हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द बेंजीन रिंग। तो यहाँ पे दो फैक्टर हैं जिसकी वजह से रिएक्शन होगी नहीं। पहला फैक्टर तो क्या था, कार्बन और हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा रेजोनेंस की वजह से। दूसरा क्या, कि न्यूक्लियोफाइल है इसलिए वो बेंजीन रिंग पे अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज, बेंजीन रिंग के ऊपर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी, नेगेटिव नेगेटिव के पीछे रिपल्शन, इसलिए वो अटैक नहीं कर पाएगा। और तीसरा क्या है, ये बेंजीन रिंग एक बल्कि ग्रुप है एल्काइल हैलाइड के अंदर, और ये खुद एक स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। बोलो क्या क्रिएट करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस, ये एक बल्कि ग्रुप है इसलिए ओ नेगेटिव का बेंजीन रिंग वाले कार्बन के ऊपर अटैक नहीं होगा। सो देयर आर द थ्री फैक्टर ड्यू टू व्हिच देयर अकर्स नो रिएक्शन इन बिटवीन द सोडियम इथोक्साइड आयन एंड द एराइल हैलाइड। पहला क्या, देयर इज अ डबल बॉन्ड इन बिटवीन द सी एंड एक्स द एक्स एटम। सेकंड वन, के जो आपका ये न्यूक्लियोफाइल है C2H5 O नेगेटिव, ये
हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले बेंजीन रिंग को अप्रोच नहीं कर पाएगा, इसको वहां से रिपल्शन मिलेगी। तीसरा, जो बेंजीन रिंग है खुद बल्की ग्रुप है, इसलिए ओ नेगेटिव जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने वो अटैक नहीं कर पाएगा बेंजीन रिंग वाले कार्बन के ऊपर स्टेरिक फैक्टर की वजह से। इट मीन्स नो रिएक्शन विल अकर। इसके बाद हम मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म तो बड़ा सिंपल ही है, एक एरो और ही तो एक्स्ट्रा दिखाना है। मान लीजिए ये हमने ले लिया यहाँ पे सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन, ये हमने सेकेंड रिएक्टेंट ले लिया, इसमें कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, एक्स के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज। ओ नेगेटिव अटैक किस पे करेगा? इस कार्बन सेंट्रल कार्बन एटम के ऊपर, कार्बन के पांच बॉन्ड हो जाएंगे, इसलिए जो एक्स है वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया और आपके स्टेप से फाइनल प्रोडक्ट आपका बन गया। सो दैट इज द सिंपल मैकेनिज्म ऑफ द विलियमसन सिंथेसिस। अब हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पे, बड़ा सिंपल सा, कि राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ द विलियमसन सिंथेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द टू इथोक्सी थ्री मिथाइल पेंटेन स्टार्टिंग फ्रॉम द इथेनॉल एंड द थ्री मिथाइल पेंटेन टूल। मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये तो है प्रोडक्ट, देखो जो नाम लिखा था टू इथोक्सी थ्री मिथाइल पेंटेन, ये हमारे पास क्या हो गया बोलो, हमारा प्रोडक्ट हो गया। इसे हमें बनाना है, बनाना कहाँ से है बोलो, बनाए कहाँ से, इसको हमें बनाना है, दो रिएक्टेंट दे दिए, वन इज द इथेनॉल एंड अदर वन इज द थ्री मिथाइल पेंटेन टू ऑल। आईपैक नेमिंग के बेसिस के ऊपर आप ये स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं, नेम दे रखा हो तो स्ट्रक्चर ड्रा करनी आपको आनी ही चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठा कि जो ये दो रिएक्टेंट है आपके पास, दोनों एल्कोहल हैं, इन दोनों एल्कोहल, लेकिन विलियमसन सिंथेसिस में तो आपने सीखा था ना कि रिएक्शन कब चलती है, रिएक्शन तभी चलती है जब आपके पास क्या होना जरूरी है, विलियमसन सिंथेसिस से जो प्रोडक्ट है सीखा, देख लेते हैं। जो आपका प्रोडक्ट है इसके अंदर ओ के एक साइड में बल्कि ग्रुप है, दूसरी साइड में आपके पास स्मॉलर ग्रुप है, तो ऑक्सीजन किसके साथ रहेगा बोलो, ऑक्सीजन किसके साथ रहेगा, हैलाइड किसके ऊपर लगाना है आपका, ऑक्सीजन बल्कि ग्रुप के साथ रहेगा। देखो ऐसे ये ओ नेगेटिव होगा, इधर क्या होगा पॉजिटिव, ओ नेगेटिव के साथ क्या लगा दो, एन ए पॉजिटिव लगा दो, और दूसरे के साथ क्या लगा दो, सी एल नेगेटिव लगा दो। तो अभी आपको साथ साफ साफ देखो क्लियर कट दिख गया जो रिएक्टेंट है, ये वाला जो पार्ट है जिधर ओ नेगेटिव एन ए पॉजिटिव हो, तो देखो ये वाला पार्ट है थ्री मिथाइल पेंटेन टू ऑल, इसको तो एल्कोक्साइड में कन्वर्ट करें। तो एल्कोक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल क्या डालें, एल्कोहल है तो क्या डाल देंगे हम इसमें, एनएच डाल देंगे। दूसरा क्या है CH3CH2, जो ये CH3CH2 वाला देखो ये वाला जो इथेनॉल है इसको OH को हटा के Cl लगाओ, ये तो हम पहले ही सीख चुके हैं कि OH को हटा के Cl कैसे लगाया जाता है एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन के दौरान। और ये OH को हमें किस में कन्वर्ट करना है, एल्कोक्साइड में, तो सिंपल या तो सोडियम डाल दे तो भी हो जाएगा, NOH डाल दे तो भी हो जाएगा। तो देखो अब हम क्या करेंगे, जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ही आपका यूज किया जाता है विलियमसन सिंथेसिस के दौरान, क्योंकि वहां पे आपकी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगी उसके ऊपर, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो इथेनॉल है उसको तो एल्कोक्साइड के अंदर, उसको तो हम एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करेंगे, और जो दूसरा एल्कोहल है थ्री मिथाइल पेंटेन टूल उसको हम एल्कोक्साइड के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो देखो कैसे करें, इसमें हमने कोई भी रिएजेंट डाल सकते हैं, ये डार्जन रिएक्शन वाला रिएजेंट है SOCl2, ये हमने डाला और क्या बन गया बोलो आपके पास, एल्काइल हैलाइड। जो दूसरा उसमें हमने Na डाला और क्या बन गया बोलो आपके पास, सोडियम एल्कोक्साइड बन गया। बोलो कैसे बना था, ये हम पहले ही बता चुके हैं, ओ नेगेटिव होता है, एच पॉजिटिव होता है, सोडियम आपके ग्रुप वन एलिमेंट है, इसलिए इट विल लूज द बोलो क्या वन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स द Na पॉजिटिव आयन। तो क्या होगा, ये ओ नेगेटिव अपने पास किसको ले जाएगा, देखो Na को, तो वही तो हमने किया है, ओ नेगेटिव पास Na पॉजिटिव है, जो ये एच बन गया, एच क्या करेगा, एच पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को लेके एच बनेंगे, मीन्स हाफ एच टू, तो बोलो कौन सी गैस यहाँ से निकल जाएगी, हाफ एच टू। टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको बबल्स दिखाई देंगे निकलते हुए, जो बबल्स जब आप इस एल्कोहल वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर सोडियम 20 बार से डालेंगे तो जो बबल्स निकलेंगे वो हाइड्रोजन गैस के बबल्स होंगे। तो ये आपके बन गए, अब आपकी रिएक्शन बड़ी इजिली हो जाएगी। देखो ओ नेगेटिव किस पे अटैक करेगा, उस कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, और इस तरह से आपका सीएल नेगेटिव निकल जाएगा एंड वी गॉट द फाइनल प्रोडक्ट जो हमें बनाना है। तो दैट इज द यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द विलियमसन सिंथेसिस। तो ये आपने देखी कुछ एक रिएक्शंस आपकी किस चीज की, एल्काइल हैलाइड्स की, कुछ और रिएक्शन वो भी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराएंगे। सो दैट ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर अबाउट द रिएक्शंस ऑफ द एल्काइल हैलाइड। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन और हम आपको लास्ट में बता देते हैं कि जो सोडियम मेटल है उसको कभी यूज नहीं कर सकते ईथर की ड्राइंग के लिए, लेकिन बट नोट द इथेनॉल, सोडियम मेटल कैन बी यूज फॉर ड्राइंग द इथर, इथर को ड्राई करने के लिए सोडियम मेटल कैन बी यूज, इथेनॉल को ड्राई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो इथेनॉल है वो क्या करेगा, वो इथर के साथ रिएक्ट, सोडियम रिएक्ट विद द इथेनॉल, सोडियम इथेनॉल के साथ रिएक्ट कर जाता है, नॉट विद द इथर। तो ये बड़ा सिंपल सा आपका क्वेश्चन था। सो दैट ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर रिगार्डिंग द रिएक्शंस ऑफ द एल्काइल हैलाइड। थैंक यू।